हेलो दोस्तों, वेलकम टू फ्लाइट क्लासेस। मैं दीपांकर आपका वेलकम करता हूँ फ्लाइट क्लासेस में। आई होप आप सभी सही होंगे, अच्छे होंगे इस कोरोना काल में। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश में वोकेबलरी सेशन, क्योंकि गाइस आप भी जानते होंगे कि ग्रामेटिकली पोर्शन को ही ठीक करने से इंग्लिश ठीक नहीं हो जाती है। आपको वोकेबलरी सेशन में भी आपको अच्छा करना पड़ता है, बोलते वक्त लिखते वक्त इसका यूज़ काफ़ी है। इसीलिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ मोस्ट यूजफुल एंड कंफ्यूजिंग वर्ड्स। तो आइए मिलते हैं आज के इस मोस्ट एंड कंफ्यूजिंग यूजफुल वर्ड्स। कुछ वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ, आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। देखिए, जैसे कि पहला वर्ड है आपके सामने बैटल। क्या है गाइस? बैटल, आप सभी देख पा रहे होंगे। अगला वर्ड है इसी का मिलता जुलता फाइल। देन नेक्स्ट वर्ड है इसका वॉर। क्या आप इन तीनों की मुझे हिंदी बता सकते हो गाइस? बैटल, फाइट, वॉर, इन तीनों का हिंदी मीनिंग सेम है, मीन्स युद्ध। ये मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि आप कहीं पर अगर फिलप्स यूज़ करते हो या कहीं पर आप कोई सेंटेंस बनाते हो तो वहाँ पे आपको ये कन्फ्यूजिंग रहेगा हमेशा कि इन तीनों में से यूज़ करें तो करें क्या। ऐसे ही कुछ और वर्ड्स के पेयर भी है। तो जैसे कि बैटल की मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन बताना चाहूँगा। बैटल मीन्स होता है जब लार्ज ऑर्गेनाइज्ड आर्मी आपस में जब लड़ाई करते हैं, लड़ते हैं। क्या? जब लार्ज ऑर्गेनाइज आर्मी, ओके। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फाउट इन 1526। पहला पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो 1526 में लड़ा गया था गाइज, ओके। तो यहाँ पे हमने बैटल शब्द का यूज क्यों किया इस सेंटेंस में, फाइट या वॉर का यूज़ क्यों नहीं किया? क्योंकि उस दौरान जो था पानीपत की लड़ाई में दो ऑर्गेनाइज्ड आर्मी जो अपने अपने लीडर्स द्वारा या राजा द्वारा उसे ऑर्गेनाइज्ड करके उसे लड़ने के लिए लाया गया था, इसीलिए हमने यहाँ पे बैटल शब्द का यूज़ किया। क्योंकि बैटल की मीनिंग ही होती है लार्ज ऑर्गेनाइज्ड आर्मी जब लड़ते हैं आपस में। ऐसे ही अगला वर्ड है आपका फाइट। फाइट की मीनिंग होती है जब पर्सन्स और पार्टीज़ दो से ज़्यादा या दो से ज़्यादा आपस में बिना किसी आर्मी सपोर्ट के लड़ाई करती है, उसे हम फाइट कहते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, वो छोटा सा एग्जांपल ये है, देयर शुड बी नो फाइट इन द नेम ऑफ रिलीजियन। रिलीजियन के नेम पर कोई भी लड़ाई नहीं होनी चाहिए। तो आई होप ये फाइट की मीनिंग आपको समझ आ गई होगी। फाइट मीन्स सिर्फ लड़ाई नहीं होता जब आर्मी इन्वॉल्व नहीं होती है किसी प्रकार की और सिर्फ दो पर्सन या पार्टीज आपस में लड़ाई करती है। अगला वर्ड है वॉर। वॉर का मीनिंग होता है गाइस बिटवीन नेशंस विद द एड ऑफ लार्ज आर्मीज। जब दो राष्ट्र अपने आर्मीज के साथ लड़ाई करती है तो उन्हें वॉर कहा जाता है। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल है, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर डिस्ट्रॉयड जापान रूटलेसली। जो दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें जापान बुरी तरह से तबाह हो गया। तो ऐसे में आप शायद समझ पा रहे होंगे कि मैंने वॉर का यूज़ क्यों किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो नेशंस इन्वॉल्व थे, बट बैटल में नेशन इन्वॉल्व नहीं थे, आर्मीज ज़रूर इन्वॉल्व थी, पर वॉर के अंदर लार्ज आर्मीज इन्वॉल्व है, वो भी नेशंस के साथ। एक दूसरे के जो नेशंस मीन्स राष्ट्र अपनी अपनी आर्मी के साथ जब लड़ाई करते हैं, वर्ल्ड वॉर में ऐसी सिचुएशन हुई थी। अगला वर्ड है आपका डिनाय। देन इसी के साथ है आपका रिफ्यूज। तो गाइस इन दो वर्ड्स के ये ऐसे पेयर है जो अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं। तो जैसे मैं कहना चाहूँगा डिनाय, डिनाय की मीनिंग होती है छोटी सी, वो आप देख लीजिए। डिनाय मीन्स होता है टू डिक्लेयर समथिंग एज फॉल्स और अनट्रू। To declare something as false or untrue. मतलब किसी भी चीज़ को, किसी स्टेटमेंट को जो आप पे लगाए जाते हैं उसको फॉल्स, गलत या सच नहीं है वो, उसे साबित करने को, डिक्लेयर करने को क्या कहते हैं हम? डिनाय। क्या करते हैं? डिनाय। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि ही डिनाइड ऑल द चार्जेस अगेंस्ट हिम। उसने अपने सारे चार्जेस जो उस पर लगाए गए थे उसे डिनाई कर दिया। जैसे आप किसी पब्लिक प्लेसेस पर अगर आप स्मोक या ड्रिंक करते हो तो कोई भी ऑफिसर आपको जब वो आप पे चार्जेस लगा देगा अपने रूल बुक के अकॉर्डिंग कि आपने ये रूल बुक
फॉलो नहीं किया है, पब्लिक प्लेस में आपको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। आप सडनली क्या करते हो उस दौरान, आप फाइन से बचने के लिए, उस पनिशमेंट से बचने के लिए आप उन अपने लगाए गए जितने भी स्टेटमेंट को आप गलत डिक्लेयर करने लग जाते हो, तो मीन्स वह आप डिनाय वर्ड को यूज़ करोगे। अगला वर्ड है रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ का मीनिंग थोड़ा सा अलग है, हिंदी मीनिंग सेम है इन दोनों की भी। हिंदी मीनिंग है बेसिकली इनकी मना करना, बट इंग्लिश मीनिंग के वजह से इनके सेंटेंसेस अलग हो जाते हैं। रिफ्यूज़ मतलब होता है नॉट टू एक्सेप्ट, उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना, किया ही नहीं हमने, डिक्लेयर तो अलग बात है, हमने एक्सेप्ट ही नहीं किया। जैसे ही रिफ्यूज़ टू अकंपनी मी, जैसे मैंने किसी को बोला कि आओ मेरे साथ घूमने चलो, तो उसने डायरेक्ट रिफ्यूज़ कर दिया, डायरेक्ट मेरे साथ रिफ्यूज़ कर दिया, मतलब मेरे एक्सेप्ट ही नहीं करा। और अगर साथ में चलता फिर कुछ गलती हो जाती उससे, मैं कुछ बोलता तब वो डिनाई करता, डिनाई वर्ड का यूज़ करता गाइस। ऐसे ही नेक्स्ट और एक पेयर वर्ड्स आपको मिलाना चाहूँगा, बहुत ही फेमस है कस्टम और साथ में है हैबिट। इन दोनों के अंदर भी कुछ बेसिक्स छुपे हुए हैं, वो आप जानिए। जैसे कस्टम की मीनिंग होती है, कस्टम की मीनिंग होती है एन एक्सेप्टेड वे ऑफ बिहेविंग और डूइंग थिंग्स इन अ सोसाइटी और अ कम्युनिटी। जैसे कि बाकी आपके समाज के लोग जैसे जिन चीज़ों को फॉलो करते हैं, आप भी उन्हीं के साथ वो उन चीज़ों को फॉलो करने लग जाते हो, तो उसे कस्टम कहा जाता है। जैसे रीति रिवाज, इन दोनों की मीनिंग लगभग एक है। हैबिट में थोड़ा सा अलग यह है कि हैबिट की मीनिंग से पहले एक बता देना चाहूँगी, कस्टम का एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे वी कैन नॉट डिटैच आवर सेल्फ कम्प्लीटली फ्रॉम ओल्ड कस्टम, हम अपने आप को पुराने जो रिवाज चले आ रहे हैं, रीति रिवाज, उनसे अलग ही नहीं कर सकते, क्योंकि सभी लोग उनको फॉलो करने के लिए प्रेशराइज भी कर देते कभी कभी। एक हैबिट भी मिलता जुलता शब्द है, जैसे आप पर्टिकुलर टेंडेंसी इन एन इंडिविजुअल, एक खुद, इंडिविजुअल मीन्स एक पर्सन खुद अपनी डेली जिन चीज़ों को करता है, अपने आप ही सुबह उठता है, पार्क जाता है, टहलता है, खाता है, खाने में रोज़ चाय लेता है या दही खाता है, इन सारी जो टेंडेंसी जो वो रेगुलर फॉलो करता है उसे वो हैबिट कहते हैं। कस्टम और हैबिट में थोड़ा डिफरेंस यही है कि कस्टम जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आती है, जो बातें, वो रिवाज, वो तरीके, तौर तरीके, और हैबिट मीन्स जो इंडिविजुअल खुद क्रिएट करता है अपने लिए, अपने लाइफ के लिए। आई होप ये जो कुछ वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ व्यूअर्स, आपको अच्छे लग रहे होंगे। देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आइए मिलते हैं अगले कुछ एग्जांपल, आप देख लीजिए। हैबिट इज़ द सेकंड नेचर ऑफ अ मैन, हैबिट जो होता है वो सेकंड नेचर होता है किसी मैन, इंसान का। अगला वर्ड है आपके सामने फेमस, बिल्कुल आसान शब्द है, बट इससे मिलते जुलते कुछ और शब्द भी है, जैसे नोटोरियस एंड नोटेबल। तो ये तभी क्लियर होगा जब इनके बारे में कुछ इंग्लिश इनके बारे में पता होगा। जैसे फेमस की डेफिनेशन होती है हैविंग इम्पोर्टेंस इन अ गुड सेंस, एक इम्पोर्टेंस रखना किसी अच्छे सेंस में। जैसे एक एग्जांपल से आप समझिए, इंडिया इज़ फेमस फॉर इट्स कल्चरल हेरिटेज। भारत किस लिए फेमस है, अपने कुछ एक इंडिया में गुड सेंसेस है, यानी कि कल्चरल, यहाँ पे हज़ारों कस्टम्स है, तरह तरह की पाए जाने वाली चीज़ें हैं जो इंडिया को फेमस बनाती है गुड सेंस के कारण। एंड अगला वर्ड है आपका नोटोरियस, इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन जानी है, सेम मीनिंग है, बस फ़र्क कहा है, हैविंग इम्पोर्टेंस इन अ बैड सेंस, इम्पोर्टेंस उतना ही देना लेकिन एक बैड सेंस के कारण। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ही इज़ अ नोटोरियस क्रिमिनल, एक क्रिमिनल है तो उसके अंदर आदतें जो होगी, कुछ ख़राब ऐसी आदतें होंगी जिस कारण उसे नोटोरियस बनाया गया है गाइस, ओके। अगला वर्ड जो है आपके सामने नोटेबल, नोटेबल की एक छोटी सी डेफिनेशन है, आप वो देखिए। जैसे नोटेबल मीन्स इज यूज्ड अ गुड सेंस, इसको गुड सेंस के लिए यूज्ड किया जाता है, होता नहीं है इसमें, किया जाता है। जैसे नालंदा इज नोटेबल फॉर इट्स एंशियंट यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा, एंशियंट मीन्स पुराने समय में काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, जो अपने गुड सेंसेस मीन्स अच्छी बुक्स पाई जाती थी, अच्छे पढ़ाने वाले होते थे उस दौरान। तो आई होप गाइस अगले वर्ड से मिलते हैं। अगला एक वर्ड है आपके सामने प्रैक्टिस, और इसी का और एक भाई है प्रैक्टिस, दोनों को प्रोनाउंस एक जैसे किया जाता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस,
स्पेलिंग में मीनिंग में फ़र्क है, इसलिए क्योंकि एक इनमें से वर्ब है और एक इनमें से नाउन है। नाउन का चैप्टर अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको ऊपर शो हो रहा होगा एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। तो इन दोनों के बारे में बता देता हूँ, ये एक जैसे कैसे वर्ड है। ये प्रैक्टिस एक नाउन है, अगर सी ई स्पेलिंग लास्ट में आ रही है तो इसका मतलब होता है अ हैबिट और रिपीटेशन ऑफ एन एक्शन, किसी आदत या किसी भी एक्शन को रिपीट करना। ऐसे ही एक एग्जांपल देना चाहूँगा, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। यहाँ पे तो शुरू में प्रैक्टिस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये नाउन है तो मैं सब्जेक्ट की तरह इसे यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे अगर मैं ये स्पेलिंग लिखता कि प्रैक्टिस एस ई वाली, तो इसको मैं शुरू में नहीं लिख सकता क्योंकि ये वर्ब हो जाता, वर्ब को शुरू में नहीं लिखा जाता। इसीलिए इसी की मीनिंग टू बी डू रिपीटेडली, सेम मीनिंग है गाइस, बस फर्क इतना नीचे वाला वर्ब है ऊपर वाला नाउन है। तो इसकी एक सेंटेंस आप देख लीजिए अच्छे से, यू नीड टू प्रैक्टिस एवरी डे, आपको रोज प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगले पेयर वर्ड से मिलते हैं ड्राउन और सिंक। क्या वर्ड है गाइस ये? ड्राउन एंड सिंक, इन दोनों की हिंदी मीनिंग होता है डूबना या डुबोना। अब इनमें मीनिंग क्या डिफरेंसेस है अब वो जानिए। जैसे इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन जानिए ड्राउन की। ड्राउन का मतलब होता है इज़ यूज फॉर लिविंग ऑब्जेक्ट्स ओनली। ड्राउन को हम सिर्फ लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए ही यूज़ करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल से समझिए, टू चिल्ड्रन ड्राउन आफ्टर फेलिंग इन टू द रिवर, दो बच्चे पानी में गिरने के बाद मर गए। तो दो बच्चे इट्स लिविंग ऑब्जेक्ट का, इज लिविंग ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम ड्राउन वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। और सिंक की डेफिनेशन क्या होगी, बिल्कुल इसके अपोजिट भी है बट सिमिलर भी है, इज़ यूज्ड फॉर बोथ लिविंग एंड लाइफलेस ऑब्जेक्ट। सिंक को हम दोनों सेंस में यूज़ करते हैं, लिविंग के लिए भी और नॉन लिविंग के लिए भी। ओके गाइस, एक छोटा सा एग्जांपल से सब समझिए और अच्छा, द शिप सैंक इनटू द ओशियन। यहाँ पे जो ये सैंक है, सिंक की सेकेंड फॉर्म है, जो जहाज़ था वो ओशियन के अंदर डूब गया। तो जहाज़ एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है यानी कि लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पे ये सिंक वर्ड को यूज़ किया। तो गाइस कैसा लग रहा है आपको ये, ज़रूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए एंड अपने उन सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो इंग्लिश को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज रहते हैं, वर्ड्स को यूज़ नहीं कर पाते हैं, अक्सर वर्ड्स की एक ही किताब में या किसी नोट्स में देख के वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इनकी मीनिंग एक्चुअली क्या होगी। तो मिलते हैं एक और वर्ड्स है, लिबर्टी एंड फ्रीडम। तो ये दोनों वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको कहीं ना कहीं नज़र आ जाते होंगे। बेसिकली लिबर्टी की मीनिंग होती है अब्सेंस ऑफ एनी स्लेवरी, स्लेवरी मीन्स गुलामी, एंड चेक और रेस्ट्रेंट, बिना किसी गुलामी के या फिर किसी रोक टोक के चीज़ों को हम कहते हैं लिबर्टी। बेसिकली लिबर्टी और फ्रीडम की मीनिंग एक ही होती है, आज़ादी, लेकिन दोनों के अंदर क्या बेसिक्स डिफरेंस बहुत है। तो लिबर्टी की एक एग्जांपल आप समझिए, द राइट टू वर्क शुड बी अ लिबर्टी इंजॉयड बाय ऑल। जो काम करने का अधिकार है वो सबको एक फ्रीली एनवायरनमेंट में लाना ज़रूरी है। अगला वर्ड है फ्रीडम। फ्रीडम गाइस, फ्रीडम की मीनिंग होती है अब्सेंस ऑफ डिपेंडेंस, किसी पे निर्भरता यानी कि डिपेंड ही नहीं होना है। अब्सेंस मीन्स उस चीज़ की कमी, डिपेंडेंसी की कमी है मीन्स आप फ्रीडम हो। एक एग्जांपल से आप समझिए, इंडिया फाइनली वॉन हर फ्रीडम इन 1947। आखिरकार इंडिया कब आज़ाद हुआ? 1947 में। तो यहाँ पे हमने जो है लिबर्टी शब्द का क्यों यूज़ नहीं किया? लिबर्टी कहीं ना कहीं बेसिकली जो होता है, लिबर्टी मीन्स कहीं ना कहीं आपका जो आज़ादीपन जो है वो एक लिमिटेड एरिया में रहता है, बट फ्रीडम में हूल। ऐसे ही अगला वर्ड है आपका डिस्कवर का। इस क्या है? डिस्कवर, एंड डिस्कवर का साथी इन्वेंट। इन दोनों में कैसी बातें हैं वो भी आप जानिए। जैसे डिस्कवर का मीनिंग होता है टू फाइंड समथिंग डेट एग्जिस्टेड बिफोर। डिस्कवर मीन्स उस चीज़ को ढूंढना। डिस्कवर, पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि डिस्कवर और इन्वेंट का मतलब होता ही है खोजना, बट गाइज इन दोनों में बहुत सी डिफरेंसेस होती है। डिस्कवर का मतलब उस चीज़ को खोजना जो पहले ही नेचर में मौजूद है,
जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा कि ग्रेविटी मीन्स गुरुत्वाकर्षण की खोज की गई थी, तो ऐसे में था कि आपका डिस्कवर वर्ड मैंने क्यों यूज़ किया इन चीज़ों में, क्योंकि ग्रेविटी नेचर में पहले से ही मौजूद था, यानी कि एग्जिस्ट था, और बाद में आइज़ैक न्यूटन साहब ने उसे बताया कि ऐसे ग्रेविटी नाम की चीज़ भी होती है। अगला शब्द है आपका इन्वेंट। इन्वेंट का मीनिंग होता है टू प्रोड्यूस समथिंग न्यू, किसी नई चीज़ को बनाना जो पहले से ही नेचर में या एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट नहीं करती हो गाइस। ओके, जैसे सेलफोन, फिर आपके गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये सारे नेचर में थे नहीं, साइंटिस्टों ने इसे इन्वेंट किया है। डिस्कवर नहीं यूज़ करेंगे गाइस, क्या यूज़ करेंगे हम? इन्वेंट। तो आई होप ये छोटे से एग्जांपल से आप समझिए जिससे कि इन्वेंट की मीनिंग को। मैनी कंट्रीज़ हैव इन्वेंटेड मैनी डेडली वेपन्स, बहुत सारे कंट्रीज़ ने क्या इन्वेंट किया है? डेडली वेपन्स, क्योंकि वेपन्स नेचर में थे नहीं, बहुत से लोगों ने इसे इन्वेंट किया है। तो आई होप ये डिस्कवर और इन्वेंट की मीनिंग भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। जितना क्लियर करके आप जानेंगे गाइस उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। एट द टाइम ऑफ जब इसका यूज़ करने पे आप आओगे तो आप उसको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि आप जिस किस शब्द को जहाँ पे यूज़ कर रहे हो सही है, चाहे वो आप कोई फिलप्स में हो, कोई क्लोज टेस्ट में हो, या फिर स्पीकिंग में हो। तो आज के लिए इतना ही था गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहिए इसे, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। ओके गाइस, नेक्स्ट वीडियो हम ज़रूर मिलेंगे जल्द ही। तो आज के लिए इतना ही, बाय।